नमस्कार साथियों, बाउंटू एडुकेशन माने तोहरे केर सोब केर स्वागत है। आज के इस वीडियो में पंच परगनिया का बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण लोक कहानी पढ़ेंगे, गोनोक ठाकुर और तीनटा चोर। इससे संबंधित आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं, तो पूरा ही वीडियो अवश्य ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, ताकि अगर इस चैप्टर से आपके परीक्षा में प्रश्न बने तो आप आसानी से उसे हल कर पाएँ। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। एकटा गाँव महान एकटा गोनोक ठाकुर रहत रहे। आसे पासे एक गाँव महान ओकर बेजाय जजमान रहें। ओकर एतिक चलती रहे कि रोजे दिन कोनो नी कोनो गाँवे जजमानी করে যাতক যজমানী মহান কেউ ওকে চাউর দেতক, কেউ চিউরা তো কেউ পাঁঠা। বেজায় সামান জুটাত রহে সে তেহে ও আপন সঙ্গে একটা বোঝইল লেলে যাত রহে। বোঝইলটা মোটরি বইকন আগুই আগুই যাতক আর গণক ঠাকুর পেছু পেছু। तो एक गांव में एक गणक ठाकुर रहा करते थे। आसपास के गांव में उनका बहुत अधिक चलता था, जिसके कारण आसपास के जो भी गांव थे वहां के लोग उन्हें जजमानी करने के लिए बुलाते थे और दान स्वरूप उनको कुछ ना कुछ देते थे। जैसे कि चाउर कोई दे देता था, कोई चिवरा दे देता था, या फिर कोई पाठा भी दे देता था, जिसके कारण बहुत अधिक सामान मिलने के कारण उसे वो ढो नहीं पता था। चूँकि वो बूढ़ा हो गया रहता है, इसीलिए वो क्या करता, साथ में एक बोझोइल को लेकर के चलता है। बोझोइल अर्थात कि उसके जो भी सामान होते थे उनको वो ढो करके आगे आगे चलता था और वह उसके पीछे पीछे चलता था। ठीक है, कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक दिन तीनटा चोर उमोन के जानलोए और लूटे केर घात महान रोहे लागलोए। दूसर दिन जजमान गोनोक ठाकुर के एक पोटम चाउर चिवरा আর একটা পাঠাও দান করলই। চোর গিলা সেটা জানে পালই। উমন পহিলে ডহর ধারে টাসনা মহান আই কহন রচিক রচিক ধরে লুকায় রহই। তো একবার এসা হতা হ্যাঁ কি তিন চোর কো উনকে বারে মে পতা চল জাতা হ্যাঁ কি লোক উনকো পূজা পাঠ করবাতে হ্যাঁ তথা উনে বহুত সারা দান মিলতা হ্যাঁ। উন দান কো লুটনে কে ফেরা মে ও তিনোহি চোর রহনে লাগে। ওর একদিন क्या होता है, उनको ये मौका भी मिल जाता है। उसके जो दूसरा दिन होता है उसमें उनको जो गणक ठाकुर रहता है उनको चाउर चिवरा और साथ में एक पाठा भी दान में मिला हुआ रहता है। तो उसको चोरी करने के लिए चोर तीनों ही चोर एक प्लान बनाते हैं और अलग अलग जगह पे छिप जाते हैं। ठीक है, उ दिन बेसी बाजार होए सेते हैं। बोझोलटा कहाँ कूदे कहाँ चले, गोनोक ठाकुर तो बूढ़ा लोग ठुकुर ठुकुर चलत रहे। ढेर पेछू गेलोक बोझोलटा मूड़ महान एकटा पोटम कोर के आर पाठा टाके कोरा कोर कोहन आनत रहे। तो जो बोझोल रहता है वो क्या करता है, आगे आगे चल रहा था और जो गोनोक ठाकुर रहता है वो पीछे पीछे चल रहा था। उस दिन बहुत अधिक बोझा हो गया था, जिसके कारण गोनोक ठाकुर अपने सर में जो पोटम दिया हुआ रहता है चावल और चिवड़ा का, तो उसको सर में लिया हुआ और पाठा को अपने गोदी में करके वो लेके आगे आगे चल रहा था और गोनोक ठाकुर उसके पीछे पीछे चल रहा था। ओके आओल देख कोहन पहला चोरटा टासना के ले बहराय कोहन डोहर थार आलोक और बोझोल टाके कहलोक कहाँ रे भाई ई कुकुर टाके कोरा कोर के कहाँ लेक तीस हो कुकुर है के पाठानो है के बोझोलटा कहलोक और चलते रहलोक। ठीक है, तो उसमें से एक चोर जहाँ पे छिपा हुआ था वहाँ से निकल करके वो बोलता है कहाँ रे भाई तुम इस कुत्ते को गोदी करके कहाँ ले जा रहे हो। फिर वो जो बोझल रहता है वो बोलता है कि कहाँ, ये तो कुत्ता नहीं है बल्कि ये पाठा है। ठीक है, फिर वो उसका बात को ध्यान में नहीं रखता है और आगे चल जाता है। ठीक है, किचू दूर आगो दूसरा चोरटा टसना ले डोहर धार आलोक और पूछ लोग कहाँ रे भाई ये कुकुटा के कहाँ पाले एके कहे कोरा कर आइस। बोझोलटा पाठा टाके बेस रकम देख बनालोक और कहलोक पाठा है के कुकुर ना लगे। तखन चोरटा कहलोक आइज लेक पाठा नीची नी आइस बेंस बोका है किस। कुछ दूर आगे चल करके उसे दूसरा चोर मिलता है। दूसरा चोर बोलता है कि कहाँ रे कहाँ चल रहे हो इस कुत्ता को गोदी करके। तो वह अपने आप पे संदेह करता है थोड़ा सा और अपने जो पाठा को गोदी करके वो ले आ रहा था उसको ध्यान से देखता है। फिर वो कुछ सोच करके बोलता है नहीं ये पाठा नहीं है नहीं ये कुत्ता नहीं है बल्कि ये पाठा है और फिर वो आगे चलते जाता है। बोझोल गेर मोनटा तो रोचिक खटकलोक मोनतुक फिर आगू बाटे चौक किछु दूर आगुए तीसर चोरटा रहे। उ ढासना लेक बहराय कोहन डोहर धार आलोक आर पूछलोक कहाँ रे भाई कुकुटा के कोरा कोर कौन कहाँ चल ले। उसके मन में थोड़ा थोड़ा संदेह तो हो रहा था कि मैं जो जिसको गोदी करके लेके जा रहा हूँ वो पाठा नहीं है बल्कि कुत्ता है, लेकिन फिर भी वो सोचते सोचते आगे बढ़ा। आगे
तीसरा चोर निकलता है और तीसरा चोर निकल करके उसे बोलता है, वही बात बोलता है कि कहाँ रे भाई, तुम कुत्ता को गोदी करके कहाँ ले जा रहे हो। भोजवल्टा सोचे लाग लोग, भला ई जे तीन लोग कुकुर है के कोहेला, तो वे ईटा कुकुर है के ऊ ओहे ठीन टाए पाठा पोटकी रख लोग और पोटोम टा ले कोहन घर पहुँच लोग। तो वह इस प्रकार का तीनों ही लोगों का बात सुनकर, तीनों चोर का बात सुनकर, वह उसके मन में इस एक प्रकार से ये ज्ञान हो जाता है कि जो वह गोदी करके ले आ रहा है वो पाठा नहीं है बल्कि वो कुत्ता ही हो सकता है। इसीलिए उसे वहीं पे पटक देता है और जो पटम उसका सर में रहता है उसी को लेकर के वह घर पहुंच जाता है। चोर गिला पाठा ठाके ले कौन चल लो अपन घर बोझल टाकेर सूझबूझ केर कौमी रोहे सेकोर चलते ऊ चोर गिला कथाई पाठा ठाके गंवा लोग। ठीक है, तो जैसे ही वो पाठा को गिरा देता है कुत्ता समझ के, जो तीनों ही चोर रहता है वो तीनों चोर वहाँ पे आ जाते हैं और उस पाठा को लेकर के वहाँ से चले जाते हैं। इस प्रकार हम लोग को कहानी में पता चलता है कि जो बोझवल रहता है उसका सूझबूझ कम था जिसके कारण वह पाठा को खो देता है। ठीक है, पाठा को कुत्ता समझ के उसे गिरा देता है। ठीक है, तो ये छोटा सा इंटरेस्टिंग सा कहानी था। ये जो कहानी है अलग अलग राइटर के द्वारा लिखा गया है और अलग अलग बुक में भी मिल जाएगा। ये जो कहानी है ये पंच परगनिया के महान राइटर परमानंद महतो की किताब से लिया गया था। ठीक है, अलग अलग बुक के राइटर में इसका नाम कुछ अलग अलग मिलेगा। ठीक है, अगर आप इसी प्रकार के विभिन्न प्रकार के लोक कहानी देखना चाहते हैं तो बाउंड टू एडुकेशन चैनल के जो पंच परगनिया लैंग्वेज का प्लेलिस्ट में है वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। विभिन्न प्रकार के आपको लोक कहानी से संबंधित वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब कर दे, सामने का बेल के आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि जो भी न्यू वीडियोज इस चैनल पर अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुँच सके। जाने से पहले वीडियो को अवश्य ही लाइक कर दे ताकि मुझे पता चले कि इस प्रकार के वीडियोस आपके लिए मैं बनाऊं या फिर ना बनाऊं। धन्यवाद।